कोरोना के चलते देश भर में लगे लॉकडाउन की वजह से धार्मिक यात्राएं भी पिछले काफी दिनों से बंद हैं। इसी के चलते भक्त भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि श्राइन बोर्ड जल्द ही कुछ नियम कायदों के साथ मां वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने वाला है और अब खुशखबरी आई है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यात्रा शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर ने सभी धार्मिक संस्थान आज से दर्शन के लिए खोल दिए हैं और इसके साथ ही माता वैष्णो देवी की यात्रा भी शुरू हो गई है। वैष्णो देवी की यात्रा 24 घंटे सातों दिन चलेगी। कोरोना को देखते हुए वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा को बीते 18 मार्च को निलंबित कर दिया गया था। श्राइन बोर्ड के मुख्य अधिकारी रमेश कुमार के मुताबिक तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के 1900 श्रद्धालु और बाहर के 100 भक्त शामिल हैं। माँ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पंजीकरण काउंटरों पर नहीं हो रहा है। दर्शन के लिए भक्तों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बता दें कि इस यात्रा के लिए कुछ नियम कायदे भी रखे गए हैं, जिसमें से एक नियम ये है कि श्रद्धालुओं को आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। इसके अलावा फेस मास्क भी लगाना जरूरी है। यात्रा प्रवेश बिंदुओं पर थर्मल इमेज स्कैनर के माध्यम से प्रत्येक श्रद्धालु को स्कैन किया जा रहा है। वहीं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को कोरोना महामारी के कारण यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।